चीन की उन्नति ढीली पड़ रही है, वह फिर से उसी 1980 के पूर्व दौर की ओर बढ़ रहा है जहां से उसने विकास की लैब पकड़ी थी। अमेरिका की बड़ी कंपनियां तो चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेट ही रही थी, अब जर्मन की एक चौथाई कंपनियों ने भी चीन को गुड बाय कह दिया है। यानी यह ठीक ब्रिटेन की लेबर पार्टी की तरह हो रहा है, जिसने भारत के आंतरिक मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करके दुनिया में लोकप्रिय होने का पैंतरा चला था। मतलब जिन दिनों कश्मीर पर दुनिया एक सुर में बोल रही थी, तब लेबर पार्टी भी चीन और पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रही थी। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटेन में प्रवासी भारतीयों ने अपना समर्थन लेबर पार्टी को नहीं देकर बोरिस जॉनसन के पाले में कर दिया, जिसके बाद लेबर पार्टी के सत्ता तक पहुंचने के सपने चूर चूर हो गए। लेबर पार्टी से जैसे भारतीयों का मोहभंग हुआ, वैसे ही चीन से दुनिया भर की कंपनियां उसके मोहपास से निकलकर दूसरे देशों की ओर कूच कर रही है। खास बात यह है कि इन देशों के पसंदीदा मुल्क के वरीयता क्रम में भारत प्रथम स्थान पर है, उसके बाद वियतनाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड है। इसकी वजह भारत में सस्ता मानव संसाधन और भारत द्वारा कंपनियों पर कम किए गए टैक्स का परिणाम माना जा रहा है। चीन से जर्मन कंपनियों के प्लान का कारण बढ़ता परिचालन खर्च और वर्तमान हालातों में वहां व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल होना नहीं है। अमेरिका से ट्रेड वार के चलते भी उत्पादन बेहद महंगा हो चुका है। इसी के चलते करीब एक चौथाई जर्मन कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी कर चुकी है। जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सर्वे में कहा गया है कि चीन में उत्पादन कर रही जर्मन मूल की 23% कंपनियों ने या तो उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है या इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। गौरतलब है कि चीन में इस वक्त जर्मन की 526 कंपनियां काम कर रही है, जिनमें से ज्यादा ने चीन को छोड़ने का मन बना लिया है। पिछले दिनों जर्मनी चांसलर एंजेला मर्केल और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच भी भारत में जर्मनी के निवेश को लेकर बात हुई थी। यहां उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है। भारत में कम लागत के चलते भी जर्मन कंपनियां यहां ज्यादा दिलचस्पी ले रही है, जबकि चीन अपनी इकोनॉमी को संतुलित करने के प्रयास में है। इसकी वजह से वह एक्सपोर्ट और निवेश से उपभोक्ता खर्च आधारित इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, जिससे चीन में मानव संसाधन काफी महंगा हो गया है। हालत यह है कि कंपनियों की लागत की तुलना में मुनाफे में निरंतर कमी हो रही है, वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पा रही है, जिससे उन्हें अब घाटे में जाने का डर सताने लगा है। ट्रेड वार के कारण चीन से एक्सपोर्ट करना 50% महंगा हो गया है, पर मामला यहां तक नहीं है। जर्मन की एक चौथाई कंपनियों के अलावा बाकी कंपनियों ने सर्वे में स्पष्ट किया है कि वे भी अपना कारोबार दूसरे देशों में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमेरिका की 35 से अधिक कंपनियां पहले ही चीन की धरती को छोड़ चुकी है। इनमें से कई कंपनियां भारत और वियतनाम जैसे देशों में अपने नए प्लांट स्थापित कर रही है। खुद चीन की कंपनियां भी चीन की इस नीति से परेशान है। चीन की कंपनियां भी भारत में मेक इन इंडिया के तहत यहां अपने उपक्रम स्थापित कर रही है। खास बात यह है कि चीन में काम करने वाली कंपनियों में सबसे बड़ा समूह जर्मन कंपनियों का माना जाता है। इनके द्वारा चीन को छोड़ना इस साम्यवादी मुल्क के लिए बड़ी चोट माना जाएगा, जबकि इन कंपनियों का भारत में प्रवेश देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का पूरा जोर चीन से प्लान कर रही कंपनियों को आकर्षित करने में है। सरकार कोशिश कर रही है कि अधिक से अधिक कंपनियां भारत में अपने प्रोजेक्ट शुरू करें। इसके लिए सरकार द्वारा सिंगल विंडो जैसी नीति बनाकर इन्हें आसानी से भारत में उद्योग लगाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। अब भारत में वर्ष 2014 वाले सख्त नियम खत्म हो चुके हैं और इस देश में व्यापार करना पहले से कहीं ज्यादा सरल हुआ है। संभवतः मोदी सरकार का 5 सालों में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना भी यहीं से शुरू होता है। इसलिए जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल और पीएम नरेंद्र मोदी की विगत दिनों हुई मुलाकात के मायने आज समझ में आ रहे हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।